तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति। वेलकम करती हूँ सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ या मैं कोई लाइव अरेंज करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत से कॉमेंट आते हैं जहाँ पर ये पूछते हैं कि मैं लाइव आती हूँ या मेरी कोई वीडियो आती है तो आप लोगों को पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना है, यानी कि जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना है। उसी से आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, जनाब के फिनाले के लिए बचा है सिर्फ एक हफ्ता, लेकिन इस एक हफ्ते में भी साम दाम दंड भेद की पूरी चाणक्य नीति अपनाई जा रही है। वैसे तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसकी वजह से कभी कभी सिंपथी हो जाती है ऑडियंस की जनाब के प्रति। जैसे कभी हाथ में चोट लगना, कभी पैर में चोट लगना, कभी कोई फिजियोथेरेपी करना, मतलब अक्सर आपको हर वीक कुछ ना कुछ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार आपको देखने को मिले हैं साक्षात जनाब बिल्कुल बिस्तर पर, यानी कि जनाब को चढ़ रही है ड्रिप। अब ये ड्रिप वाइटल्स की है या किस चीज की है ये मुझे क्लियरली दिखा नहीं, या ये बोलिए कि मैंने देखा नहीं, बट हाँ ये जरूर देखा कि जनाब जो हैं वो बिस्तर पे लेट चुके हैं। और वहीं पे मैडम ने स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने जनाब के लिए अगेन एक सिंपैथी दिखाई है कि फिनाले एकदम नजदीक है और जनाब की स्थिति कुछ इस तरीके की है। उसी के साथ साथ वो जो बीमारी वाला, यानी कि वो जो बेड पे लेटे वाला स्टोरी थी, उसके बाद आज जनाब की बहन ने, यानी कि साहिबा ने भी अपनी एक स्टोरी पोस्ट करी जिसमें जनाब अपने आज के लुक में नजर आ रहे हैं। मतलब अब जो जनाब का परफॉर्मेंस होने वाला है उस लुक में नजर आ रहे हैं, और उस लुक में भी जनाब जो है कुछ खांसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि जनाब की जो स्टोरी थी वो पोस्ट हुई है कल, और जनाब की जो शूट है, अब आप ये सोचें कि वो शूट हो चुका होगा पहले, यानी कि स्टोरी भी काफ़ी समय के लिए रोकी जाती है। अब तक तो जनाब आई थिंक रिकवर भी हो गए होंगे, बट ये स्टोरी पोस्ट करने का सिलसिला भी रोका जाता है, पिक्चर्स ले ली जाती हैं और इसको ऑन द स्पॉट यानी कि सेम डे नहीं डाला जाता, इसे पहले डाला जाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस आती है और परफॉर्मेंस को हुए हुए भी समय हो जाता है। तो जनाब की तबीयत बीच में ख़राब हुई थी जिसकी वजह से जनाब ने अपनी बीवी और अपनी बहन दोनों से स्टोरी पोस्ट करवाई, या ये बोली उन्होंने खुद से स्टोरी पोस्ट की। देखा जाए तो जैसे ही शो के फिनाले के दिन नज़दीक आ रहे हैं, जनाब की पूरी फैमिली टूट पड़ी है अच्छे से जनाब का प्रमोशन करने के लिए। जहाँ पे बीच में साहिबा ने प्रमोशन करना थोड़ा कम कर दिया था, या ये बोलिए कि फ़नी ने प्रमोशन करना थोड़ा कम कर दिया था, वहाँ पे अब फ़नी भी और साहिबा भी दोनों के दोनों लगे पड़े हैं जनाब को मैक्सिमम वोट दिलाने के लिए। बट देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार जो फिनाले में तीन कंटेस्टेंट हैं, यानी कि जो तीन टॉप थ्री हैं, उनमें जनाब भी हैं कहीं ना कहीं, बट ये ट्रॉफी मिलती किसको है? क्योंकि प्रिडिक्शन की माने या एजम्पशन की माने तो लोग यही एजम्पशन लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रॉफी जनाब के हाथ में ही आए, क्योंकि जिस तरीके से मतलब एक सेट कर दिया जाता है ना, और फिर प्रिडिक्ट भी होने लगता है, यानी कि जो माहौल सेट कर दिया जाता है उस माहौल के हिसाब से ऑडियंस जो है एक प्रिडिक्शन भी लगाने लगती है। तो प्रिडिक्शन की मानिए तो काफ़ी लोगों ने यही प्रिडिक्शन लगाई है कि हो सकता है कि इस बार ट्रॉफी जनाब के ही पास आए, क्योंकि जिस तरीके की जनाब की जर्नी दिखाई है और जिस तरीके से सिंपथी और इमोशन वाली वीडियोस आई हैं, शॉर्ट्स आए हैं, स्टोरीज पोस्ट हुई है, व्लॉग्स आए हैं, उसके हिसाब से जनाब के साथ ऑडियंस की कनेक्टिविटी ना कुछ ज़्यादा ही बनी है, और हो सकता है कि इसी कनेक्टिविटी की वजह से जनाब ट्रॉफी भी ले आएँ। बट उसके अलावा बात करेंगे आज साहिबा के व्लॉग के बारे में भी। तो साहिबा का व्लॉग मैंने देखा, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि व्लॉग के अंदर आखिर चीज़ें थी क्या। तो व्लॉग के अंदर दिखा कि गिफ्ट हैम्पर्स या गिफ्ट्स की ओपनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इतना बड़ा थैला जो मैंने मौधा में ही देख लिया था, और उस दिन भी मैं वीडियो बनाने वाली थी बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो वहाँ पे थैला ना पूरे गिफ्ट से भरा जा रहा था, पूरा थैला फुल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसमें सारे गिफ्ट डाले जा रहे थे, जबकि ट्रैवल मौधा से मुंबई तक का था। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम किसी लॉन्ग रूट पर या ट्रैवल पर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम मिनिमम से मिनिमम चीज़ें अपने साथ कैरी करें, लेकिन वहीं पे साहिबा ने हर छोटी से बड़ी चीज उस इतने बड़े थैले के अंदर पैक कर दी। और जब आज वो जादू का पिटारा उन्होंने खोला तो उसमें चॉकलेट, कुकीज़, कप्स, मतलब छोटे मोटे गिफ्ट हैम्पर्स के अलावा कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं था जिसकी वजह से इनको मौधा से यहाँ तक उसको लाद के लाना
पड़ा। अब अगर बात करें उसके अंदर जो चीज़ें थी, यानी कि कुछ खाने की चीज़ें थी, कुछ पहनने की चीज़ें थी, कुछ कप्स थे, तो ये सारे गिफ्ट्स मौदा में क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए? या ये बोलिए कि वहाँ पे इनकी एक अम्मा भी रहती हैं, ये उनको भी दे सकती थी। वहाँ पे बच्चे रहते हैं, जो बच्चे मौदा में ये जब भी जाती हैं एक टांग पे इनके लिए खड़े हो जाते हैं, इनको इतना पैम्पर करते हैं, इनको इतना प्यार करते हैं, इनकी वहाँ पे इतनी हेल्प करते हैं, इनके काम करते हैं। आपने तो देखा है कि किस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे थे वो इतने बड़े बड़े झोले थैले सामान तक इनके लिए उठाने में मौदा में हेल्प कर रहे थे, जहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में लोग नाराज़ भी हुए कि इतने छोटी बच्ची से तुम इतना भारी सामान उठा रही हो, छोटी बच्चियों से इतना भारी सामान नहीं उठवाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वो बच्चे किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं साहिबा की पूरी व्लॉगिंग में, तो वो सारे गिफ्ट हैम्पर्स वहाँ पे खोल के उनको भी दिए जा सकते थे। मतलब मुंबई वाले बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। हम इतने टाइम से व्लॉग फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, मतलब हर तरीके की लाइफ वो वहाँ पे जी रहे हैं। एक अच्छी लाइफ कहेंगे वो वहाँ पे जी रहे हैं, जिस लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मौदा के बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी इतना प्रीशियस और इतना अनमोल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जो वो थैला इतना भर के लाए ना, ये थैला वो वहाँ पे भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। लेकिन वो पूरा थैला आया मुंबई, और जैसे ही वो थैला खुला, भाई साहब मुंबई के बच्चे उस थैले पे ऐसे टूट पड़े जैसे ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई चीज़ देखी ना हो। ये माने कि इन्होंने तो खुद साहिबा की ही बेइज्जती करा दी कि जैसे दूसरे के दिए हुए गिफ्ट्स के ये लोग ताक में रहते हैं, इनको घर से कुछ भी नहीं मिलता। जबकि देखा जाए तो साहिबा के जितने भी कोलैबोरेशन की चीज़ें आती हैं अपने एंड पे भी वो इन बच्चों पे खर्च करती है, तो मैक्सिमम चीज़ें इन बच्चों के पास हैं। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि इनका ध्यान हर गिफ्ट पे होता है कि हर गिफ्ट हमें मिल जाए, तो वहाँ पे घर के सभी मेंबर को छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट में प्रोवाइड करवाई जा रही थी। पर कमेंट सेक्शन में अगेन जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, लोगों के यही कमेंट थे कि ये चीज़ें आपको मौदा के बच्चों को देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी और वो ज़्यादा इन चीज़ों से खुश होते। वहीं पर अगर बात करें इनकी डॉटर खाला की, तो डॉटर खाला को मिले हैं सोने के कंगन दिखाए हैं साहिबा ने। पहले तो मुझे ये लगा कि साहिबा जो ये गोल्ड के बैंगल्स दिखा रही है उन्हें ही तो अपनी डॉटर खालों को गिफ्ट नहीं कर दिया, फिर मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक साहिबा ने अपनी मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करने में इतने साल लगा दिए, भाई ने ज़रूर मम्मी को बहुत कुछ गोल्ड के आइटम दिलाई हैं, पर जो साहिबा हैं उन्होंने हमेशा से अपने पैसे बचाए हैं, क्योंकि उन्हें उस समय पर अपना फ्लैट लेना था, अपना घर, अपनी कार लेनी थी, तो इन्होंने कभी किसी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया था पहले। तो अब अचानक से इन्होंने अपनी डॉटर खाला के लिए इतने बैंगल्स कैसे ले लिए? तो कहानी पता चली कि भैया वो जो बैंगल्स हैं वो डॉटर खाला के हस्बैंड ने लिए थे, यानी कि इनके खालू ने लिए थे, क्योंकि इनकी डॉटर खाला जब इनके खालू सऊदी गए थे तो उन्होंने अपनी कुछ ज्वेलरी सेल करी थी, ज्वेलरी बेची थी, और उन्हें बेचने के बाद उन्होंने उनके जाने के पैसे इकट्ठे करे थे, और उसके बाद वापस से बीच में ज़रूरत पड़ी थी, और उसके बाद उन्होंने वापस से अपने जो हैं कंगन बेचे थे, तो इसीलिए उनके जो सारे ज्वेलरी थी वो बिक गई थी, और अब गिफ्ट में उनके खालू ने उन्हें कंगन का जोड़ा बना के दिया है। वेल, अच्छी लगी स्टोरी सुन के। देखो गहने जो होती हैं एक औरत की एसेट ही होती है, और अच्छे बुरे वक्त में काम आता है, और एक बीवी अपने पति के लिए हमेशा सपोर्ट दिखाती है, वहीं पे पति भी अपनी पत्नी के लिए हमेशा सपोर्ट दिखाते हैं। बट मेरे मन में जस्ट ऐसे ही सवाल आया, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के माइंड में भी आया या नहीं आया, कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में अगर डॉटर खाला थी कि उन्हें पहले भी अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी, तो क्या घर से यानी कि यहाँ से मुंबई से उनकी कोई हेल्प नहीं हुई? क्योंकि एक औरत के लिए ज्वेलरी बेचना एक लास्ट ऑप्शन होता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब सारी कहीं से कोई हेल्प ना मिले, तब जो होता है लास्ट होता है किसी का कि ज्वेलरी बेचनी है, तो वहाँ पे इस फैमिली ने हेल्प क्यों नहीं करी? चलो ये मान लेते कि उस समय हो सकता है कि इनकी खुद की भी कंडीशन किसी की हेल्प करने की ना रही हो, लेकिन जैसे कि डॉक्टर खाला ने बताया कि उसके बाद भी काफ़ी समय के बाद फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी थी, और इन्होंने फिर से अपने जो है कंगन बेच दिए थे, तो जब दोबारा भी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा उनकी हेल्प क्यों नहीं की गई? यानी कि जब फैमिली को पता है कि जो उनकी खाला है यानी कि जो डॉक्टर खाला है वो इस स्टेज में है कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक बेची हुई है, ज्वेलरी तक बेच के रखी हुई है, और अभी भी वो लोग शायद कहीं ना कहीं उधारी में भी होंगे, क्योंकि जो इंसान ज्वेलरी बेच दे तो समझो ना कि वो कहीं ना कहीं क्रेडिट में ज़िंदगी जी रहा होगा, तो उनके लिए मतलब क्या एफर्ट्स दिखाए जाते हैं या गिफ्ट देने से ही उनकी फिनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाएगी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रोज़गार ना इनको उनके लिए भी करना चाहिए, उनके लिए भी खोल के देना चाहिए, चाहे तो उनको व्लॉगिंग ही करना सिखा लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो व्लॉग्स बनाती हैं, व्लॉगिंग करती हैं, तो उनकी भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, जब वो वहाँ रहती तो वो वहाँ से अपनी व्लॉगिंग कर सकती हैं।
और अदर देन व्लॉगिंग भी अगर उनके अंदर कोई ऐसा सच टैलेंट है जिस पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उनको थोड़ा सा रोज़गार खुला के देना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे और वो खुद साहिबा को बहुत सारा कंटेंट देते हैं। बेसिकली साहिबा के व्लॉग का पूरा कंटेंट ही वो बच्चे रहे हैं इनिशियल डेज से अभी तक, तो मुझे लगता है कि इतनी हेल्प तो देनी और करनी बनती ही है, क्योंकि उनके ज़रिए आज की स्टेज में साहिबा ने दो फ्लैट, कार, प्लॉट, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लिया, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली, बहुत कुछ कमा लिया। तो उसका ज़्यादा नहीं पर 20% तो वो हेल्प में लगा ही सकती हैं। उसके अलावा अगर आपने व्लॉग में एक और चीज़ नोटिस की होगी तो व्लॉग में रुकैया का नाम आ रहा था। इनफैक्ट जब ये मौधा में थी तब भी इन्होंने अपने कैरी मामा का नाम लिया था कि कैरी मामा को प्लॉट में ही कुछ काम दे दिया है ताकि उनके भी दो पैसे मिल जाएं। यानी कि अब साहिबा ने एम्प्लॉयमेंट भी खोल लिया है और अब वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो मौदा हो अब चाहे वो मुंबई हो, क्योंकि मुंबई में भी जैसे ही इनका कैफे या रेस्टोरेंट खुलेगा तो वहां भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और मौदा में भी एम्प्लॉयमेंट दे दिया वो भी अपने खुद के मामा को। तो क्या जैसे ही क्रेजी कजन ने अपना वीडियो अपलोड किया उसके बाद धीरे धीरे ये दिखाया जा रहा है कि जो क्रेजी कजन बोल रहा है उन बातों में सच्चाई बहुत कम है, क्योंकि ये जो है फैमिली की पूरी तरीके से हेल्प कर रही है, और जो क्रेजी कजन की खुद की बहन है वो इनके बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में है। इसीलिए उन्होंने आज व्लॉग में उनका नाम भी लिया कि क्रेजी कजन की जो सिस्टर हैं उन्होंने अच्छे खासे गिफ्ट्स, मिठाइयाँ भेजी है उनकी मम्मी के लिए। मतलब वो लोग बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हैं, बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत में हैं, ये दिखाने के लिए उस समय मामा का नाम और इस समय जो है वो रुकैया का नाम लिया गया। तो भैया आखिर मैटर चल क्या रहा है, भाई वहाँ पे बागी बना हुआ है और बहन यहाँ पे प्यार लुटा रही है, मतलब क्रेजी कज़न वाले भाई की बात कर रही हूँ कि क्रेजी कज़न वहाँ पे बागी बना हुआ है, उनके पापा वहाँ पे बागी बने हुए हैं, उनके दूसरे मामा वहाँ पे बागी बने हैं, यहाँ पे जो उनकी बहन है वो मुंबई वालों पे प्यार लुटा रही है। तो भैया इतनी कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट कर देते हो, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न देख के ना हम एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है। अगर कोई गलत है तो फिर तो परिवार के सभी लोगों को गलत लगना चाहिए ना, कुछ लोगों को वो सही लग रहे हैं, कुछ लोगों को वो गलत लग रहे हैं, तो आखिर में गलत कौन है, सही कौन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर। वेल, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की इन सब चीज़ों के बारे में क्या राय है। और यस, जनाब का जो है वो शूट आपको देखने को मिल जाएगा और फिनाले बहुत नज़दीक है, तो आप लोग डिजर्विंग कंटेस्टेंट को वोट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय, अपने अपने सजेशन देना भी बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कुछ चीज़ें डिसाइड करने में या कुछ एनालाइज़ करने में, आप लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।